मेरा नाश्ता तैयार। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसे बनता है, ढाबा स्टाइल बनता है, वैसे बोल सकते हैं। चलो बेटो मैं देखती हूँ बस एक अभी टाइम है, लेट्स वेट हियर और बिल्कुल वेट थोड़ी देर। ये कुछ जस्ट भी निकली है और मैंने रियलाइज किया अनियंस हो गया है अभी नाश्ते के लिए अनियंस। मैं सोच रही हूँ कुछ ऑमलेट भी बनाऊँ और फिर लंच में भी आज मुझे बिरयानी बनानी है। आज लंच के बाद आज लंच पे ऐसे कुछ घट रहा है सूरत और फिर अनियंस एंड टोमेटोज एंड शाम में जाऊँगी ग्रोसरी करने के लिए। थैंकफुली एक सुपर मार्केट है जो खुली होती है सुबह का टाइम। हनी कोथिमीर की एक गड्डी भी दे देना, कोथिमीर की एक गड्डी। आज शाम का टाइम मैं ग्रोसरी कर लूँगी इसलिए सिर्फ अनियन से टोमेटो लेने के लिए आई हूँ। थैंकफुली ये एक सुपर मार्केट खुली है, ये भी अंधेरा है, ये पूरी सनलाइट नहीं है। एक्चुअली मैं कुकू जाने के बाद ग्रोसरी बहुत टाइम होता है तो आई गो टेक आई गो स्लीप फॉर एन आवर, फिर उठ के मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। लेकिन तब भी याद है कि वेजीज हो गए हैं और अभी मुझे ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए और लंच के लिए भी चाहिए क्योंकि फ्राइडे है और सैफू कम्स होम फॉर लंच, कुकू इज ऑल्सो बैक होम बिफोर सलाह टाइम। सो कुकू आने तक तो मेरी बिरयानी भी ऑलमोस्ट बन चुकी होती है, फिर एक बार नहीं होती एक बार फिर आने जब मेरी मेड आती है फिर मुझे सब बाहर निकलने नहीं होता घर से। अभी चीनी आई नहीं है, नाश्ते की तैयारी करती है, अनियंस चॉप्ड एंड किचन थोड़ी क्लीन ही है। अब चीनी आने तक मालूम नहीं मैं कितनी गंदी करूँगी, जो भी थोड़ा गंदा है। नाउ क्विकली लेट्स मेक अंडा भुर्जी। दिस कैन बी फाइन फॉर भुर्जी। दो प्याज चॉप किए और प्याज को इतना ब्राउन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जब तक मैं टोमेटोज चॉप करूँगी सिर्फ तब तक बनाऊँगी क्योंकि भुर्जी के लिए ब्राउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती अनियंस को। सो अनियंस वी कैन से दे आर जस्ट ट्रांसलूसेंट नाउ और इन दिस जूस टमाटर टमाटम और इसी में ऐड करूँगी मैं सॉल्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्दी मिर्ची ब्लैक पेपर। सो सारे मसाले ऐड कर दिए, अभी अनियंस को अनियंस एंड टोमेटोज को अच्छे से पका लूँगी, अनियंस पूरे पक जाएंगे मसाले में। जल्दी देखकर स्मैश करना हो दैट विल बी मोर इजी। जो आलू का मैशर होता है बहुत हेल्पफुल होता है भुर्जी बनाने के लिए स्पेशली। तो अच्छे से मैश कर लो, जल्दी भी बन जाएगा और भुर्जी के लिए साजो मसाला तैयार हो जाएगा। तो फिल ऐड द एग्स टोटली स्ट्रीट स्टाइल। कोरिएंडर थोड़ी कोरिएंडर रखी है मैंने, जब अंडे बनाऊंगी तभी ऐड करूंगी और अभी कोरिएंडर ऐड करने के बाद भी स्मैश कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मसाला पक चुका है, नाउ अंडों का टाइम। मैं यूजली चार अंडों की भुर्जी बना रही हूँ तो जस्ट मेक स्पेस इन द मिडल ऑफ द पैन भुर्जी को इसे मसाले को कॉर्नर्स में करके अभी इसमें ऐड करूँगी मैं ऑयल, कोई भी ऑयल ऑलिव ऑयल मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अभी इसमें जाएगा वो सेम मसाला जो मैंने भुर्जी में ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस थोड़ा सिम पर रख के सारे मसाले ऐड करूँगी, दो अंडों का मसाला इसे मैं दो बार करूँगी, थोड़ी मिर्ची थोड़ी हल्दी एंड सम ब्लैक पेपर एज पर टू एग्स ऐड कर रही हूँ और थोड़ा नमक और फिर इसमें भी जाएगा थोड़ा कोरिएंडर। अभी ये मसाले को थोड़ा इसे पका ले, मसाले को दूर रखें और इसमें मैं ऐड करूँगी दो अंडे।
ये मसाले में मैं अंडों को ऐड करूंगी, और अंडे ऐड करने के बाद जो बीच में जो मैंने मसाला ऐड किया है उसे बीच में रखकर पकाऊंगी फ्लेम हाई करके पकाऊंगी। जब अंडा थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा स्लोली स्लोली मैं मिक्स कर दूंगी ये मसाले में। नाउ हरी भुर्जी को भी ले लेते हैं और ऐसे मूव करके इस साइड में पकता रहेगा। सारे मसाले में मिक्स करके पकाएंगे और इसे मैश करके ही पकाएंगे, तो अंडे के इसे लगे कि अंडे के वाइट वाइट एग योक और वाइट अच्छी से मिल जाना चाहिए एंड एग वाइट के लम्ब नहीं दिखना चाहिए। सो नाउ फिर से वही प्रोसीजर, इनको स्लो कर दें और फिर सारी भुर्जी को पकने देते हैं एंड अगेन विल डू द सेम थिंग। मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक साथ सारे अंडे ऐड कर दूंगी तो ठीक से मिलेगा नहीं, इस वजह से आई एम कुकिंग लाइक दिस। भुर्जी के जो मसाले में अंडों को पकना है तभी वो भुर्जी बनेगी। सो अगेन सम ऑयल एंड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट। से दो अंडे ले लिए और अंडे जाएंगे मसाले में, फिर से इसको पकाएंगे मसाले में। नाउ कम्स द बटर टाइम। अंडे में बटर घी कुछ तो होना चाहिए जिसमें अंडा और मजेदार लगे, स्पेशली अंडों में तो बटर अच्छा लगता है। इसको सिम पर पकने के लिए रखती हूँ और साइड बाय साइड आई विल स्टार्ट मेकिंग द मसाला टोस्ट विच गोज वेरी गुड विद भुर्जी। मसाला ब्रेड तैयार करने के लिए थोड़ा डाइल्यूटेड जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसमें जाएगी थोड़ी हल्दी, थोड़ा ब्लैक पेपर, सेम मसाला आई एम यूजिंग, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, कोरिएंडर और पानी। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, मिक्स मिक्स मिक्स। टेक अ पैन, ये ऑलमोस्ट बन गई है भुर्जी। टेक अ पैन, बटर, ये थोड़ा मसाला, और सुबह का टाइम है, नाश्ता बन चुका है, अंडा भुर्जी बनाया था मैंने नाश्ते में, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसे बनता है, ढाबा स्टाइल बनता है वैसे बोल सकते हैं। क्विकली मैं अंडा भुर्जी मेरे लिए भी मैंने बना दी, जब सैफू के लिए बनाई थी, सिर्फ मेरे लिए मसाला टोस्ट बनाने, क्योंकि अभी मेरे पास है सिर्फ आधा घंटा सुकून से नाश्ता करने का, क्योंकि उसके बाद माय मेट कम्स एंड वंस शी कम्स लाइक आई एम बिजी विद हर। जब वो किचन का काम करते हैं मैं तब तक घर का सारा काम कर लेती हूँ, लाइक डस्टिंग, लॉन्ड्री करना, डस्टिंग करना सब, जब तक वो जाते हैं मैं घर वो बीस पिक एंड स्पैन। सो सिर्फ सुकून के आधा घंटे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं नाश्ता बनाती हूँ और खाती हूँ। एंड इट्स अ फ्राइडे इज अ वेरी बिजी डे, क्योंकि सैफू कम्स होम फॉर लंच और लंच में आज बन रही है बिरयानी, बिकॉज कुकू से मैंने सोचा संडे को बिरयानी बनाती हूँ, बट कुकू से शी वॉन्ट्स बिरयानी टूडे। और यहाँ पर स्कूल्स भी फ्राइडे के दिन नमाज से पहले घर आ जाते हैं कुकू, तो नमाज से पहले कुकूज वन कम, सैफू विल बी हियर फॉर लंच बाय वन, एंड वंस माई क्लीनर गोज मेरे पास भी होता है सिर्फ एक या डेढ़ घंटा, उसमें मुझे फटाफट से लंच बनाना है, तो फ्राइडे से लिटिल बिजी डे और क्विकली मुझे नाश्ता करना है। कितना भी कुछ करूँ सुबह का टाइम किचन विल बी इन द मेस, क्योंकि अगर क्लीनिंग करते बैठूंगी तो मिस द मेड शी विल बी कमिंग, सो व्हाट्स द पॉइंट मी क्लीनिंग। तो अभी मसाला वाला टोस्ट बनाने के लिए
बटर आई मीन पहले तो अच्छे से बटर लगा लूंगी। वैसे मेरी कुकू का फेवरेट है अंडा भुर्जी, लेकिन मैं एनीवेज बचा के नहीं रखूंगी कुकू को, ना मैंने कुकू के लिए एक्स्ट्रा बनाया, क्योंकि सो व्हेन शी कम्स बिरयानी विल बी रेडी, सो व्हाट्स द पॉइंट गिविंग हर अंडा भुर्जी। और ये किड्स, बच्चों का पेट तो इतना छोटा था, मेरे ख्याल से ओ आई एम सो वेरी हंग्री बट शी विल ओनली दिस मच। तो बटर लगा लिया अच्छे से मैंने ब्रेड पर, अभी सेकते हैं मसाले में और जल्दी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। सो तिब वीडियो ही ऑन नहीं किया था मैंने, और मैं समझी वीडियो ऑन है। तो पैन में मैंने डाला था तेल, तेल में थोड़ा सा मसाला जो बचा है जो मैंने बनाया था मसाला, और उस पर बटर वाली साइड पर मैंने लगा दिया, रख दिया था ये टोस्ट, और अभी इसको थोड़ा सेकेंगे। और ये जो मसाला वाली साइड है मैं इसके ऊपर रख दूंगी सो दैट मसाला लग जाए। दिस इज द बटरी साइड। खुशबू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बटर की। टोस्ट इज रेडी, ये साइड थोड़ा और सेक लेती हूँ। टोस्ट तैयार, नाश्ता तो बन गया फाइनली। मैं ब्लॉग बीच में मैंने स्टॉप करी थी क्योंकि सैफू को नाश्ता सर्व करना था, इसलिए। एंड हियर इज माय टोस्ट, गरम गरम, और थोड़ा बटर ऐड करूंगी ऑन भुर्जी, व्हिच इज गोना मेक भुर्जी मोर टेस्टी। गरम गरम भुर्जी में मैंने बटर ऐड किया है तो मैगी हो जाएगी। फाइनली मेरा नाश्ता तैयार, 15 मिनट कर लेती हूँ नाश्ता और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। टाटा।